हमारा यूनिवर्स एक पहेली है जो सच होते हुए भी झूठ लगता है, अंधेरे से भरा, ठंडा और एक बेजान महासागर। मगर इसी महासागर में आइलैंड्स हैं जिनमें जगमगा रही है गैलेक्सीज, वो भी खरबों। जिनमें से हर एक गैलेक्सी में अरबों स्टार्स हैं और उनमें से कई स्टार्स के इर्द गिर्द प्लैनेट्स हैं, अनजान दुनियाएं हैं जिनमें से हर एक अपने आप में बहुत अनोखी है। हमारे यूनिवर्स में खरबों प्लैनेट्स हैं और उनमें से एक ने ऐसे जीवों को पाला है जो कॉस्मोस के इस नाटक के बारे में सोचने के काबिल है। असंभव सी लगने वाली छोटी छोटी मोमबत्तियां जो कभी ना खत्म होने वाली रात में कुछ समय के लिए टिमटिमा रही है। जब अंधेरा होता है और आपको पता लगे कि आकाश में एक एक करके नजर आने वाली रोशनी की हर एक बिंदु दूर स्थित सूरज है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप यूनिवर्स के आकार और इसके अनोखेपन को देखकर हैरान ना हो। यूनिवर्स सभी दिशाओं में अनंत और डरावना है, लेकिन अगर आप डर पर काबू पा सके तो एक सवाल खड़ा होता है, और ये बहुत बड़ा सवाल है कि ये सब यहाँ आया कैसे। ये एक ऐसा सवाल है जिसने मानव इतिहास को पहचान दी है, मगर सिर्फ पिछली एक सदी या उससे ज्यादा कुछ समय में हमारे पास वो समझ और टेक्नोलॉजी आई जिससे हम सवालों का जवाब जानने के लिए प्रकृति की जांच कर सकें। और हमें पता चला, जैसा बाकी सभी दुनियाओं के लिए भी है, कि समय के पहले पल में यूनिवर्स के बनने की शुरुआत हुई थी 1380 करोड़ साल पहले बिग बैंग के साथ। सभी दुनियाओं के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हमें लगने लगा कि अभी और कुछ जानना बाकी है और हमने एक साहसिक खोज की शुरुआत की, तलाशने की और खोजने की शुरुआत के पहले के समय की। मैं सब कुछ एकदम साफ देख सकता हूँ और लाइट को भी। ये बहुत ही खूबसूरत है और एकदम अनजान भी। बेमिसाल सूनापन, खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, क्या बात है। पृथ्वी पर मौजूद सभी लोगों के लिए अपोलो 8 के क्रू के पास एक मैसेज है जो हम आपको देना चाहते हैं। ऊपर वाले ने शुरू में स्वर्ग और पृथ्वी बनाए, और पृथ्वी का कोई आकार नहीं था और वो खाली थी और गहरे अंधकार ने उसे ढक रखा था। और ऊपर वाले ने कहा, रोशनी होने दो, और रोशनी हो गई। और ऊपर वाले ने रोशनी को देखा और वो खुश हो गए। जब हम पहली बार खुद के प्रति जागरूक हुए, हमने आकाश की तरफ देखा
अपने जवाबों की तलाश के लिए। रोशनी की उन रहस्यमयी बिंदुओं की तरह यूनिवर्स क्या है, ये बना कैसे और कॉस्मोस में हमारी जगह कहां है? कभी कभी हम अपने पूर्वजों की बताई शुरुआत की कहानी पर शक करते हैं, पर उन प्राचीन कहानियों में एक गहरी सच्चाई छिपी है और हर चीज की शुरुआत के सुराग वहां पाए जा सकते हैं। उस रोशनी में जो उन स्टार से आगे से आकर हम तक पहुंचती है। अगर हम यूनिवर्स के शुरुआत के बारे में पता करना चाहते हैं तो हमें कोई ना कोई सबूत चाहिए, और उस अतीत से हमारा जो रिश्ता है वो रोशनी है। यूनिवर्सल स्केल पर लाइट कम रफ्तार से सफर तय करती है, सिर्फ 2,99,000 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से। सूरज से पृथ्वी तक लाइट पहुंचने में 8 मिनट लगते हैं। सबसे करीबी स्टार से यहां तक लाइट पहुंचने में 4 साल लगते हैं, और इसका मतलब हम उस स्टार को वैसा देखते हैं जैसा वो 4 साल पहले था। तो हम यूनिवर्स में जितना आगे तक देखेंगे, हम समय में भी उतना ही पीछे तक देख पाएंगे, क्योंकि हम इस विशाल यूनिवर्स में बहुत दूर तक देख सकते हैं। हम समय की शुरुआत तक देख सकते हैं। यूनिवर्स के शुरुआत के राज जानने के लिए हमें एक टाइम मशीन चाहिए थी। एक टेलीस्कोप जो इतना ताकतवर है, जो यूनिवर्स में इतना दूर तक देख सकता है कि वो सबसे पुरानी लाइट को भी देख सकता है। और हमें वापस समय की शुरुआत तक ले जा सकता है। हबल स्पेस टेलीस्कोप हमें यूनिवर्स के एक सफर पर ले गया। जहां उसने हमें इसके देवता और राक्षस दिखाए। हमारा यूनिवर्स खूबसूरती से भरा है। और खौफ से भी। हबल ने हमें शुरुआत के शानदार नजारे दिखाए और तस्वीरें भी जबरदस्त बर्बादी की, और हमें पीछे ले गया। समय की शुरुआत तक ओरियन नेब्यूला, एक स्टेलर नर्सरी जहां गैस के बादल मिल्की वे में बनने वाले नए स्टार्स को पाल रहे थे। एक तस्वीर जो हम तक उस लाइट में पहुंचाई जो नेब्यूला से 1300 साल पहले निकली थी। शुरुआत के वो स्तंभ, बेहद ऊंचे और नाजुक स्ट्रक्चर्स, जिनकी ऊंचाई लाइट ईयर्स के बराबर है, जो 7,000 लाइट ईयर्स दूर है। एंड्रोमेडा गैलेक्सी, खरबों सूरज वाली एक जगमगाती गैलेक्सी जो 25 लाख लाइट ईयर्स दूर है। कॉस्मिक रेज, एक दूसरे में समाती गैलेक्सीज
जो 130 करोड़ लाइट ईयर्स दूर है। हबल का सफर हमें और आगे स्पेस की अनजानी जगहों पर ले गया। अंधकार में और आगे, जहां उसने अनगिनत प्राचीन और दूर स्थित गैलेक्सीज देखी, बेलगाम स्टार्स के प्राचीन समूह जो शुरुआत के अतीत पर रोशनी डाल रहे हैं, जब तक आखिरकार हबल सबसे दूर मौजूद समूह तक नहीं पहुंच पाया। समय की शुरुआत के करीब मौजूद एक गैलेक्सी इस गैलेक्सी का नाम है GNZ-11 और ये अब तक की देखी गई सबसे दूर की गैलेक्सी है। ये यूनिवर्स में बने कुछ सबसे शुरुआती स्टार्स की लाइट है और इसकी शुरुआत बिग बैंग के ठीक 40 करोड़ साल बाद हुई थी और इसे लगे पूरे 1340 करोड़ साल हम तक पहुंचने में। मतलब सोच कर देखिए, इस लाइट ने पूरे यूनिवर्स का सफर किया और इस लाइट के सफर के 9.5 करोड़ साल बाद हमारी पृथ्वी बनी और हमारे प्लैनेट के पूरे इतिहास में इस लाइट ने अपने सफर का आखिरी 1/3 हिस्सा पूरा किया जो हमारे टेलीस्कोप से दिखा। तो ये जो तस्वीर है ये समय के शुरुआत की है। GNZ-11 उन सभी शुरुआती गैलेक्सी में से एक है जो तब बनी थी जब यूनिवर्स खुद भी आकार ले रहा था, ठीक बिग बैंग के बाद। GNZ-11 एक अजीब गैलेक्सी है और आज के हिसाब से ये मिल्की वे से सिर्फ 25 गुना छोटी है। मगर ये बेहद ताकतवर और हिंसक स्टार से भरी पड़ी है। उन हिंसक स्टार के आसपास वहां और भी चीजें थी, नाजुक चीजें जो इस उथल पुथल से जूझ रही थी। यूनिवर्स में बने कुछ शुरुआती प्लैनेट्स, ये बहुत अजीब दुनियाएं थी और इनमें से एक के हॉराइजन के ऊपर एक सूरज उगा। उसने यूनिवर्स के शुरुआत में एक नए चैप्टर की शुरुआत की। स्टार्स और प्लैनेट के बीच एक रिश्ते की शुरुआत और अरबों साल बाद दूर दराज एक दुनिया में शुरुआत हुई जीवन की। तो हमें ये तो नहीं पता कि यूनिवर्स में पहली सुबह कब और कहां हुई, पर हम ये तो जानते हैं कि पहली सुबह वो पहला पल नहीं था, वो स्टार्स और प्लैनेट कहीं से तो आए थे। तो
उस पहली सुबह से पहले एक लंबी अंधेरी रात थी। एस्ट्रोनॉमर्स ने इस दौड़ को कॉस्मिक डार्क एजेस कहा। अगर हम समय में वापस यात्रा करें तो हमें पूरे यूनिवर्स में अंधेरा नजर आएगा, गैलेक्सीज गायब हो जाएंगी, शुरुआत में बने स्टार्स भुज जाएंगे एक एक करके। और गहरा काला अंधेरा छाया होगा कॉस्मोस के छाए अंधेरे के युग की गहरी उदासी में। यूनिवर्स के शुरुआत को समझने की हमारी कोशिश नाकाम हो जाएगी। तो हम कैसे कॉस्मोस के अंधेरे में देखकर अपने यूनिवर्स की शुरुआत का पता लगा सकते हैं? है शायद इसका उल्टा हो और स्टार से निकली लाइट फिर भी हमें रास्ता दिखा दे, क्योंकि हम तक पहुंचने के लिए स्टार से निकली इस लाइट ने करोड़ों बल्कि अरबों साल तक सफर किया है। और ये जानकारी कि ये यूनिवर्स कैसे बदलता है और इसका विकास कैसे हुआ, ये स्टार से निकली उस लाइट में जमा है। इन स्टार्स ने समय के हमारे सफर को जगमगाया। मगर उनकी लाइट हमें सीधे अंधकार से भरे दौर तक नहीं पहुंचा सकती, तो इसके बजाय हम उनकी लाइट का इस्तेमाल यूनिवर्स का मैप बनाने के लिए कर सकते हैं, स्पेस और टाइम में, जिससे हम पहुंच पाएंगे उन शुरुआती पलों तक। और सबसे कीमती लाइट आती है एक खास स्टार से, जो अपनी जिंदगी के बेहद खास दौर में है। स्टार्स हमेशा संघर्ष करते रहते हैं क्योंकि ग्रेविटी बहुत ही ताकतवर होती है। अगर उसे बेलगाम छोड़ दिया जाए तो वो किसी भी चीज को कुचल डालेगी, वो भी हद से ज्यादा। मगर किस्मत से बाकी शक्तियां भी काम करती हैं। जब स्टार्स ढह जाते हैं तो उनका कोर गर्म हो जाता है और वो बन जाते हैं बड़े न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर। हाइड्रोजन बदल जाती है हीलियम में और उससे एनर्जी निकलती है, जिससे प्रेशर बनता है जो स्टार को ऊपर थामे रखता है। पर हमारे सूरज जैसे स्टार्स हर सेकंड करोड़ों टन हाइड्रोजन को जलाकर हीलियम में बदलते हैं। और हालांकि ये बड़ा है, मगर इनके बड़े होने की भी एक सीमा है। स्टार्स का भी इंसानों की तरह एक जीवन काल होता है, उन्हें भी समय के कड़े इम्तिहान से गुजरना पड़ता है। उनका दहना चलता रहता है जब तक कि वो एक खास तरह के स्टार में नहीं बदल जाते, और उस स्टार को व्हाइट ड्वार्फ कहते हैं। व्हाइट ड्वार्फ्स बहुत अनोखे होते हैं, भुजते हुए स्टार्स जिनका प्लैनेट्स जितना कोर बहुत डेंस होता है, जो अक्सर पूरी तरह से कार्बन और ऑक्सीजन का बना होता है। स्टार्स जो कभी हमारे प्लैनेट से करोड़ों गुना बड़े थे, वो ढहकर पृथ्वी के आकार के हो गए, जिससे कार्बन पर बहुत प्रेशर पड़ा और वो व्हाइट ड्वार्फ्स बन गए, जो देखा जाए तो अंतरिक्ष के हीरे हैं। ये हीरे जैसे स्टार्स अच्छी तरह संतुलित थे,
जो अंदर की तरफ होते ग्रेविटी के जबरदस्त खिंचाव को झेल सकते थे मगर कुछ समय तक। और यही चीज इन्हें एक टाइम बॉम्ब बनाती है। साल 2018 में हबल ऑर्बिट में था। टेलीस्कोप ने बहुत दूर तक एक गैलेक्सी पर फोकस किया। दूर मौजूद एक वाइट ड्वार्फ पर, जिसके बारे में हम जानते थे कि वो खत्म होने की कगार पर है, करोड़ों सालों तक वो व्हाइट ड्वार्फ छुपा हुआ था। और एक और बड़े स्टार के ऑर्बिट में था, एक बड़ा रेड स्टार। जब वो एक दूसरे का चक्कर लगा रहे थे तो व्हाइट ड्वार्फ की ग्रेविटी ने रेड स्टार से प्लाज्मा और गैस खींची। व्हाइट ड्वार्फ का मास तब तक बढ़ता गया जब तक वो उस अहम सीमा तक नहीं पहुंच गया जिसे चंद्रशेखर मास कहते हैं। और उससे भी आगे निकल गया जिससे एक भयंकर थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन हुआ। उस व्हाइट ड्वार्फ में एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ जिसे सुपरनोवा कहते हैं। जो लाखों लाइट ईयर्स दूर था और हबल ने उसे देखा। व्हाइट ड्वार्फ स्टार, या सही कहा जाए तो जो सुपरनोवा बन गया था, उसका नाम है SN 2018 GV। और हालांकि वो 7 करोड़ लाइट ईयर्स दूर है पर इतना चमकदार है कि हम उस पर एक मूवी बना सकते हैं। इसकी कल्पना कुछ इस तरह से कीजिए कि किसी प्लेनेट के आकार के स्टार का अंत इतनी ज्यादा चमक के साथ होगा जो 500 करोड़ सूरज के बराबर हो। तो हालांकि इस तरह के सुपरनोवा सिर्फ कुछ दिनों तक ही चमकते हैं मगर वो हमारे इस यूनिवर्स में काफी ज्यादा लाइट छोड़ते हैं। हमने उस तरह के सुपरनोवा को एक नाम दिया है जिसे हबल ने देखा था। उन्हें टाइप 1A सुपरनोवा कहा जाता है और ये इतने आम हैं कि उनकी बदौलत हम यूनिवर्स के विकास का नक्शा बना सकते हैं। टाइप 1A सुपरनोवा वाकई प्रकृति से मिले तोहफे हैं, क्योंकि इन सब में एक ही तरह से विस्फोट होता है। इन सब की चमक एक जैसी होती है और आप उसे देखते हैं जिसकी रोशनी कम है तो वो और ज्यादा दूर होगा। और इससे आप उस गैलेक्सी की दूरी भी नाप सकते हैं जिसमें सुपरनोवा था। और क्योंकि ये इतने चमकदार होते हैं तो हम उन्हें अरबों खरबों लाइट ईयर्स दूर से भी देख सकते हैं। और इसका मतलब हम गैलेक्सीज तक की दूरी नाप सकते हैं, उन किनारों तक जहां तक यूनिवर्स दिख सकता है। मगर लाइट में और भी जानकारी छुपी हुई है।
हम बहुत दूर हुए सुपरनोवा विस्फोट से निकलती लाइट देखते हैं तो हमें कुछ बेहद दिलचस्प और अनोखा नजर आता है, क्योंकि हमारे आसपास में हुए किसी भी सुपरनोवा से निकलती लाइट जरूरत से ज्यादा लाल है और सुपरनोवा जितना दूर उसकी लाइट भी उतनी ही लाल। इसे कहते हैं रेड शिफ्ट, जो लाइट की वेवलेंथ होती है, और जितनी लंबी होगी वेवलेंथ लाइट होगी उतनी ही लाल। तो इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि जब ये लाइट सुपरनोवा से हम तक पहुंचने का सफर कर रही थी तो उस वक्त हमारा स्पेस खुद भी फैलता जा रहा था और उसने लाइट को भी फैलने दिया। तो इसका मतलब है कि हमारा यूनिवर्स फैल रहा है। तो यूनिवर्स के शुरुआत की हमारी तलाश में ये एक अहम सुराग है, क्योंकि यूनिवर्स आज भी फैल रहा है और कल हर चीज और ज्यादा दूर हो जाएगी और बीते हुए कल में सभी चीजें ज्यादा पास पास थी। तो अगर हम समझना चाहते हैं कि ये सब कैसे शुरू हुआ तो हमें समय के बीते हुए अरबों सालों में पीछे जाना होगा। हमें पृथ्वी और सूरज के बनने से पहले के समय में जाना होगा। गैलेक्सीज के भी बनने से पहले जब तक यूनिवर्स सिकुड़कर छोटा डेंस और बेहद गर्म ना हो जाए तब तक हम यूनिवर्स के इतिहास के सबसे जाने माने पलों तक नहीं पहुंचेंगे। हमारा यूनिवर्स बेहद अनोखी जगह है। जहां बेहद खूबसूरत गैलेक्सीज हैं, जबरदस्त शक्ति वाले स्टार्स हैं और प्लैनेट्स भी, अनगिनत नई दुनियाएं हैं। गैलेक्सीज, स्टार्स और उनके प्लैनेट्स वो चीजें हैं जो हमारे यूनिवर्स को नायाब बनाती हैं। यही वो चीजें हैं जो इसे एक बेजान जगह से कुछ ज्यादा बनाती हैं। तो बिग बैंग के प्रलय से लाइट और जीवन से भरा एक यूनिवर्स कैसे बना है? बदकिस्मती से हमें ये नहीं पता, हमें ये भी नहीं पता कि यूनिवर्स की शुरुआत हुई भी थी या नहीं, पर हम काफी कुछ जानते हैं इस बारे में कि कितने लंबे समय में हमारा यूनिवर्स विकसित कैसे हुआ। हमें पता है कि 1380 करोड़ साल पहले की ये स्पेस, जिसमें अभी मैं खड़ा हूँ और जिसमें आप भी खड़े हैं, वो सारा स्पेस देखे जा सकने वाले यूनिवर्स के किनारे तक, जिसमें 2 खरब गैलेक्सीज थी, कभी बहुत गर्म और डेंस था और तब से बस वो फैलता जा रहा है। अब इसका मतलब है कि बहुत पहले से सब चीजें बहुत पास थी, हर चीज एक छोटे कण में समाई हुई थी, पर वो कण कितना छोटा था और ये सब आखिर हुआ कैसे? खैर, हम सोचते थे कि यूनिवर्स बहुत गर्म और बेहद डेंस कण से निकला समय की शुरुआत में, जिसे हम आज कहते हैं द बिग बैंग। लेकिन अब हमें लगने लगा है कि यूनिवर्स उससे भी पहले से था, और उस लिहाज से हम बिग बैंग के पहले के समय की बात कर सकते हैं।
बिग बैंग से पहले यूनिवर्स कैसा था? तो पहली चीज ये है कि वो बहुत अजीब था। तब कोई मैटर नहीं था, तब सिर्फ स्पेस, टाइम और एनर्जी हुआ करती थी। एनर्जी का एक सागर जो बिल्कुल शांत था, मगर उसमें लहरें उठ रही थी। बिग बैंग से पहले यूनिवर्स एक ठंडी, अनजान और बेजान जगह थी। इस खाली जगह को बहते हुए एक शांत महासागर की तरह सोचिए। तो हालांकि अब इसमें कोई स्ट्रक्चर्स नहीं थे, तो उस एनर्जी का असर स्पेस पर पड़ रहा था, जिससे वो फैलना शुरू हो गया। उतने आराम से नहीं जैसा हम आज देखते हैं, बल्कि बेहद जोरदार धमाके के साथ। उस फैलाव को कहा गया इन्फ्लेशन। एक कण के बारे में सोचिए, स्पेस का एक मामूली सा हिस्सा। मामूली सा, मगर यही छोटा सा कण अरबों साल बाद आज देखा जा सकने वाला यूनिवर्स बनने वाला था। वो कण बहुत तेजी से फैलने लगा, इतनी ज्यादा तेजी कि वो फैला एक सेकंड के सिर्फ कुछ अरब 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 अरबवे हिस्से तक ही रहा। तो वो कण फैलता गया जब तक वो इस गुफा के आकार का नहीं हो गया, और फिर इन्फ्लेशन अचानक रुक गया और उस एनर्जी के महासागर में जो एनर्जी थी वो स्पेस में आ गई, और उससे आज देखे जा सकने वाले यूनिवर्स की सभी चीजें बनी। मतलब सोचिए कि इतने बड़े स्पेस में इतनी एनर्जी थी कि उससे 2000 करोड़ गैलेक्सीज का निर्माण हुआ। इसी को हम बिग बैंग कहते हैं। तो बिग बैंग जैसा हम अक्सर सोचते हैं किसी तरह का विस्फोट नहीं था, वो असल में एनर्जी का मैटर में बदलना था। और उन अहम घटनाओं के बीच हुए सुराग एनर्जी के उस सागर की लहरों की याद है, जिसे इन्फ्लेशन हुआ हमारे यूनिवर्स की छाप बन गई। असल में उन्हीं प्राचीन लहरों ने हमारे यूनिवर्स को उसका आकार दिया और तय किया कि हर गैलेक्सी और स्टार कहां बनेंगे, हर प्लैनेट और उसके मून्स को भी। लेकिन हमें ये सब कैसे पता? हमें कैसे पता कि बिग बैंग हुआ था? हमें कैसे पता कि एनर्जी के उसके सागर में बिग बैंग से पहले लहरें उठ रही थी? तो उसका जवाब है कि हमने उसे देखा है। ब्लैंक ने पूरे कॉस्मोस को स्कैन किया लाइट की तलाश में।
जो गैलेक्सीज और स्टार्स से निकलने वाली लाइट नहीं तलाश रहा था, बल्कि समय की शुरुआत होने से पहले की लाइट खोज रहा था। ये बहुत पुराने वक्त की तस्वीर है। ये यूनिवर्स में मिली सबसे पुरानी लाइट है। इस लाइट ने हम तक पहुंचने के लिए 1380 करोड़ साल तक का सफर तय किया। ये पूरे आकाश की तस्वीर है, जिसे सेलेस्टियल स्फीयर कह सकते हैं। हम जिस भी दिशा में देख पाए, और इसे फ्लैट बनाया गया है ताकि हम सब कुछ देख सके। इसे कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन कहते हैं, और इस चमक में कोई खासियत नहीं है, और इस यूनिवर्स में कोई स्टार और गैलेक्सीज नहीं है। तो अब आप पूछेंगे कि अगर इसमें कोई स्टार और गैलेक्सीज नहीं है, तो आखिर ये लाइट आ कहां से रही है? तो इसका जवाब है कि ये लाइट खुद यूनिवर्स से निकल रही है, क्योंकि ये बिग बैंग के कुछ लाख साल बाद की तस्वीर है, जब यूनिवर्स गर्म हुआ करता था। तो यहाँ आप जो देख रहे हैं, ये जो चमक है, बिग बैंग के बाद की है। इस तस्वीर में सबसे खास बात इसकी बारीकियों में छिपी है। इसके अनोखेपन में, इसके पैटर्न में, ये पैटर्न पूरे मानव इतिहास में आज तक की सबसे महान खोज है, क्योंकि ये उस कहानी के बेहद अहम पड़ाव को दिखाती है कि हम यहाँ तक कैसे पहुंचे। अगर एनर्जी के उस शांत सागर की ही बात करें जिसने इन्फ्लेशन के दौरान स्पेस को फैलाया, तो वो पूरी तरह शांत नहीं हो सकता था। उस सागर में लहरें जरूर होंगी। जितना हम समझते हैं, वो प्रकृति के नियमों का नतीजा था। उस सागर में वो लहरें बिग बैंग के जरिए पूरे यूनिवर्स में छाप छोड़ती, और ये इलाके बाकियों से अलग थे, जिनकी हमारी यूनिवर्स में डेंसिटी अलग थी। और जब हमारा यूनिवर्स फैलकर ठंडा होता रहा, तो वो इलाके जो काफी डेंस थे ढह गए, और उनके ढहने से पहले स्टार्स और गैलेक्सीज बनी। तो उन लहरों के बिना आज हम यहां नहीं होते। मगर उन लहरों के बारे में एक और ज्यादा चौंकाने वाली बात है, वो ये कि हमने पहले ही उनकी भविष्यवाणी कर दी थी, जब हमें पता भी नहीं था कि वो असल में हैं। और फिर हम अपनी थ्योरी टेस्ट करने के लिए स्पेस में गए। बिग बैंग की बात की चमक के ब्लैंक ऑब्जर्वेशन से हमारी शुरुआत की उथल पुथल भरी कहानी के पक्के सबूत मिले। उस कण की कहानी, उन लहरों और इन्फ्लेशन की कहानी। तो ये लहरें उस शुरुआत का कारण थी, और हमने उसका पता लगाने की हिम्मत की यहाँ हमारे इस छोटे से प्लेनेट से 1380 करोड़ साल बाद, वो भी शुरुआत की। और फिर क्योंकि हम साइंटिस्ट हैं, तो हमने फैसला किया कि हम स्पेसक्राफ्ट बनाकर उसे स्पेस में भेजकर हमने समय की शुरुआती दौर के समय की जानकारी इकट्ठा की, और हमने पाया कि हमारा अंदाजा बिल्कुल सही था। हमने समय से पहले समय का पता लगाने की हिम्मत की, और हमने साबित किया कि हमारी शुरुआत की कहानी कोई कल्पना नहीं थी। यह है शुरुआत की कहानी, जैसा साइंस बताती है। तो सबसे पहले एनर्जी का एक सागर था, जिसकी वजह से स्पेस फैलना शुरू हुआ, जिसे इन्फ्लेशन कहते हैं। उस सागर में लहरें थी, जब इन्फ्लेशन खत्म हुआ तो एनर्जी का वो सागर मैटर में बदल गया।
बिग बैंग की वजह से। और उसकी लहरों का पैटर्न हमारे यूनिवर्स में छप गया। हाइड्रोजन और हीलियम गैस के अलग अलग डेंसिटी वाले उन इलाकों में जो बिग बैंग के कुछ वक्त बाद बने। ज्यादा डेंस इलाकों में गैस के ढहने से सबसे पहले स्टार्स और गैलेक्सीज बनी और 900 करोड़ साल बाद मिल्की वे में एक नया स्टार बना, हमारा सूरज। उस स्टार के आसपास 8 प्लैनेट्स बने जिनमें पृथ्वी भी शामिल है। और ये सब शुरू होने के करीब 1380 करोड़ साल बाद हमारे और उस लाइट में चमकने लगे। पृथ्वी को उसके सही रूप में देखने के लिए खूबसूरत खामोशी में तैरता छोटा नीला और सुंदर ग्रह और उस ग्रह पर सवार हम, इस ठंड की विशाल रोशनी में हम भाई, वो भाई जो जानते हैं कि वो भाई ही है। हम सब ने हैरानी के पल देखे, हम सब सपने देखते हैं और हमारे विचार तैरते रहते हैं पूरी पृथ्वी पर और ऊपर आकाश में फैले स्टार्स तक। हमारे सबसे बेहतरीन पलों में मेरे ख्याल से हम सब समझते हैं कि बेहद छोटे होते हुए भी हम यूनिवर्स से जुड़े हुए हैं। हम सिंपल एटम्स की कलेक्शन है, मगर उन एटम्स को इस तरीके से लगाया गया है कि हमारे अंदर यूनिवर्स के खोज करने की इच्छा जागी और उसे समझने की भी। और कॉस्मोस की महान गाथा में अपनी जगह समझने की। और अगर हम इस गाथा में पीछे तक जाएं, तो ये हमें समय से पहले के समय में ले जाता है। और वो अजीब लहर जो इस यूनिवर्स में हमारे आने से पहले थी, मेरे ख्याल से हम सबको इसका मतलब समझने की कोशिश करनी चाहिए कि इंसान होने का मतलब क्या है, हम यहाँ क्यों हैं और कोई भी चीज बनी ही क्यों है। तो ये जो सवाल हैं, ये साइंस के नहीं लगते, ये सवाल ज्यादा लगते हैं फिलोसफी के या थियोलॉजी के। पर मेरे ख्याल से ये साइंस के ही सवाल हैं, क्योंकि ये सवाल प्रकृति से जुड़े हैं। ये सवाल हैं यूनिवर्स के बारे में और यूनिवर्स को समझने का तरीका, उसे ऑब्जर्व करना। मतलब हमने यूनिवर्स की सबसे पुरानी लाइट में लहर देखी जो उन घटनाओं की वजह से बनी जो बिग बैंग से पहले हुई थी। आकाश में देखने पर हमें कॉस्मोस में फैली अरबों गैलेक्सीज नजर आती हैं और हमने बहुत दूर मौजूद स्टार्स के इर्द गिर्द चक्कर लगाते प्लैनेट्स को भी देखा है जो कल्पना से परे हैं। पर मेरे लिए इतना तो साफ है
कि हम डरपोक होकर उन सवालों का जवाब तो नहीं ढूंढ सकते, हम ऐसा नहीं कर सकते। उसके लिए हमें होराइजन के पार देखना होगा, हमारे विशाल यूनिवर्स में मौजूद उन स्टार से भी आके। आकाश में देखने पर हमें सिर्फ सवाल ही नजर आते हैं, लेकिन अब हमें जवाब नजर आने लगे हैं।